तो कल हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में बात किया था, कल हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में बात किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमको वेरिएबल पाइथन के अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, हमको सिर्फ असाइन करनी होती है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से हम लोगों को बिल्कुल भी डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं पड़ता है वेरिएबल टाइप को, और लास्ट में इंटरनली उसका वेरिएबल अपने आप को सेट कर लेता है। देन वर्किंग विद पाइथन वेरिएबल्स, तो व्हाट वेरिएबल नेम्स आर लीगल, चूज मीनिंगफुल नेम, हमको कोई भी स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेसेस नहीं होना चाहिए, और अंडरस्कोर्स आर अलाउड। सो दिस इज जस्ट मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर आपको बताऊं तो ये सिंपल, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो नेम्स होने चाहिए वो आपका जो पर्पस है उससे थोड़े मैच करने चाहिए। हम देखेंगे थोड़ा आगे जाने के बाद आपको बताऊंगा इसके बारे में। देन वेरिएबल्स आर जनरली लोअर केस, वेरिएबल्स को हम लोग लोअर केस में रखते हैं, फंक्शन को कैप केस में, और पाइथन डोंट यूज पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स कौन से होते हैं, पाइथन कीवर्ड्स जैसे कि इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। लेट मी शो वन सैम्पल टू ऑल ऑफ यू। तो पाइथन कीवर्ड्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, जैसे कि फॉर हो गया, इफ हो गया, ये सारे कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल नेम में यूज नहीं करते हैं। वेरिएबल असाइनमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है। देन मल्टीपल असाइनमेंट हम लोगों ने कल देख लिया था कि मल्टीपल असाइनमेंट मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी को आप तीन वैल्यू एक साथ एक ही रेंज में पास कर सकते, दैट इज अलाउड। एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू सी भी आप पास कर सकते, दैट इज ऑल्सो अलाउड। देन बेसिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने कल बात किया था कि इतने हमारे यू नो अरिथमेटिक कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स को हम लोगों को भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को हम लोगों को जानने की जरूरत है। वी विल सी ऑल ऑफ देम। हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जो देख लिया था, तो यहाँ पे किसी को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर प्रॉब्लम की क्या, डज एनीबडी हैव एनी कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन थिंक ऑन दिस चैट एंड आई विल क्लियर इट। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज इक्वल्स टू, देन अनदर इज एड एंड इक्वल्स टू, मतलब इसको ऐड कर दो और असाइन कर दो। लेट मी शो एन एग्जांपल टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर यानी इस तरह दिखता है ये, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। प्लस इक्वल्स टू मतलब हम लोग ऐड करेंगे किसी वैल्यू को, उसमें ऐड करके, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू थ्री। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू को ए को हमें ए में ऐड करना है कुछ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर मुझे वैल्यू ऐड करना है फोर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमारा ए जो रहेगा वो क्या दिखेगा फाइनली, वैल्यू 7 हो जाएगी बिकॉज हमने ए में 4 ऐड कर दिया है। बट देयर इज अ शॉर्टकट टू डू दिस, ए प्लस इक्वल्स टू 3 एंड दैट विल डू द सेम थिंग। तो ए की वैल्यू अभी 3 है, हमने 4 ऐड किया, तो ए की वैल्यू 3 से बढ़ के 7 हो जाएगी। अभी मुझे इस 7 के अंदर 3 और ऐड करना है, तो ए प्लस इक्वल्स टू 3 विल मेक इट 10। That's all. इस तरह से ये वर्क करता है। Is it clear for all of you? या फिर किसी को कोई confusion है? Is there any confusion? If there is any confusion, you can ask and I will clear it, no problem. Then, and I hope मेरा screen सब लोगों को visible है यहाँ पे। If screen is not visible, you please always tell me कि ये screen नहीं दिख रहा है, otherwise you will lose it. Similarly, subtract, multiply, divide or modulus and एक्सपोनेंट, ये सारी चीजें इस तरह वर्क करती हैं। लास्ट में स्टोर डिवीजन भी इसी तरह वर्क करता है। तो आप लोगों में से किसी को कोई पर्टिकुलर ऑपरेटर को देखना है जिसको आप देखना चाहते हैं कि कैसे वर्कआउट होगा, एक्सपोनेंशियल आपको देखना है। विश्वजीत, इफ यू वांट टू सी एक्सपोनेंशियल हियर, लेट मी डेमोंस्ट्रेट इट टू यू। लेट अस से हमारा जो ए की वैल्यू है वो 10 है। अब मुझे उसको अगर मुझे ए की वैल्यू को मुझे बढ़ाना है, ए की वैल्यू को मैंने लेट अस से मुझे इसमें 2 से मतलब मुझे इसका स्क्वायर लेना है फॉर एग्जांपल, है ना, एंड देन मुझे सेम चीज हमारे ऑपरेटर के साथ में करना है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एंड देन इक्वल्स टू 2। सो लेट मी शो यू कैसे दिखेगा। सो ए इक्वल्स टू 10 हुआ, देन जब ये ए की पावर 2 हो जाता है तो व्हाट शुड बी द आंसर विश्वजीत, 100। तो ये 100 हो गया। नाउ अगर मैं 100 का स्क्वायर लेता हूं तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, टू बी द स्क्वायर ऑफ 100,
कृष्णा विश्व जी 10,000 यस थैंक यू. तो वैल्यू 10,000 हो गई. हमने ऑपरेटर वही यूज किया. हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसको जो कि ये यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं a into 2, ये जो वैल्यू आती है हम असाइन करते हैं. तो यहाँ पर साथ ही साथ असाइन भी हो जाता है और मल्टीप्लाई भी हो जाता है, ये दोनों चीजें साथ में हो जाती है. दिस इज वॉट इट इज इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. लेट अस मूव अहेड एंड सी बिटवाइज. तो बिटवाइज मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा जरूरी है देखना, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. लेट अस टॉक अबाउट मेंबरशिप ऑपरेटर. तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं एग्जैक्टली? तो अगर लेट अस सपोज कि मेरे पास एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू है 2, हमारी वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू है 2 और हमारे लिस्ट है उसमें 1, 2, 3, 4 वैल्यूज है ना. मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे चेक करना है कि a लिस्ट के अंदर है या नहीं, माई लिस्ट के अंदर वैल्यू a एग्जिस्ट करती है कि नहीं. तो हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं. देयर इज वन ऑपरेटर कॉल्ड एज इन ऑपरेटर. इन ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच इज यूज टू डू इट. तो इन ऑपरेटर का डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो evaluates to true if it finds a variable in the specified sequence. So, अगर ये value available है तो उस केस में हमारे पास true आएगा. अगर वो value available नहीं है तो वो false आएगा. So, if I put a in my list, if I try to print a in my list, तो आएगा true. And अगर मैं यहाँ पे similarly प्रिंट करना चाहूंगा 2 इन माई लिस्ट, तो दैट विल ऑल्सो इवेल्यूएट टू ट्रू. एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा नॉट इन माई लिस्ट, ए नॉट इन माई लिस्ट यानी 2 क्या मेरी लिस्ट नहीं है, तो बोलेगा फॉल्स. फॉल्स क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है. तो नॉट इन ऑपरेटर इज वन अदर ऑपरेटर दैट इज यूज्ड हियर. सो लेट मी शो इट टू यू किस तरह वर्क करता है. सो लेट मी ट्राई दिस एंड शो इट टू यू किस तरह से हमारा कॉपी पेस्ट करते हैं. ए इक्वल्स टू A equals 2 and my list equals 2, 1, 2, 3, 4 and हमें print करना है A in my list. तो ये क्या आएगा? Answer इसका क्या आएगा? Can you please tell me? इसका answer 2 आएगा या नहीं आएगा? And then print A not in my list. अगर हम देखेंगे तो if you try to see this, एक सेकेंड क्या हुआ यहाँ पे? कुछ error आया है. Okay. Just one second. यहाँ पे मैंने इसको कमेंट करना चाहिए. Just thank you. So if I do this now, a की वैल्यू है 2, my list की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है. Now मुझे चेक करना है a in my list ये है क्या, या ये चेक करेगा in my list मतलब वो एग्जिस्ट करता है क्या, तो वो बनेगा true. अगर मैं चेक करना चाहूँगी 2 वैल्यू अवेलेबल है क्या, तो बोलेगा true. अगर मैं बोलूंगा कि a not in my list यानी मैं चेक कर रहा हूँ कि a लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन वो बोलेगा कि है, तो default. In a simple way, very very simple like this. So this is called as membership operator. And let us move ahead. Please explain that example again. क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर? इतना simple तो था. हमारे पास a variable है 2. इसके अंदर value 2 stored है. Let me इसलिए मैं visualize करके दिखाता हूँ कि हमारे पास a की value है 2 और हमारे पास my list है. कि my list के अंदर 1, 2, 3, 4 करके वेरिएबल स्टोर्ड है यहाँ पे. ओके नाउ फॉर एग्जांपल ए इन माय लिस्ट, क्या ये इन ऑपरेटर होता है ना, जैसे कि अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं ना, जैसे इक्वल्स टू भी एक ऑपरेटर है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. तो इन जो है ना, दिस इज ऑपरेटर विच इज कॉल्ड एज मेंबरशिप ऑपरेटर. तो ये चेक करके बताता है कि उसका मेंबर है या नहीं है. तो हमारे पास राइट जो होगा ना दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस शुड बी अ सीक्वेंस. तो ये लिस्ट अगर हमारी है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हमारी लिस्ट होती है, हम लोग इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं 1, 2, 3, 4 इसके अंदर वैल्यूज होती है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है. हम लोगों ने इसके पहले भी एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें हम लोगों ने लिस्ट को इनिशियलाइज किया है. लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं. लिस्ट इज अ सीक्वेंस टाइप. तो इन ऑपरेटर जो होता है ये सीक्वेंस टाइप के ऊपर वर्क करता है. एंड ये जो सीक्वेंस टाइप होता है यहाँ पे, इसके अंदर ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो एग्जिस्ट अगर करती है तो इट कैन, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो ट्रू इवैल्यूएट करता है, अदरवाइज वो फॉल्स इवैल्यूएट करता है. इट इज जस्ट सिंपल, दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. नाउ ए की वैल्यू 2 है तो ये वेरिएबल को चेक नहीं करता है कि वो ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसलिए आपको ये दिखाया यहाँ पे कि 2 की वैल्यू जो है यहाँ पे माई लिस्ट में 2 है कि नहीं.
हम लोग एसेंशियली लिस्ट के अंदर चेक कर रहे हैं कि लिस्ट के अंदर चेक कर रहे हैं कि ट्रू की वैल्यू, ट्रू एज अ वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, तो बोलेगा ट्रू. दिस इज व्हाट इट इज. नाउ बिकॉज ए लिस्ट में है तो मैं चेक करूंगा ए नॉट इन माई लिस्ट. नॉट इन माई लिस्ट मतलब उसका अपोजिट हम लोग पूछते हैं, तो अगर उसका अपोजिट हम लोग पूछेंगे तो उसका आंसर भी अपोजिट होगा. दिस इज व्हाट द एग्जांपल इज. तो रोहित का क्वेश्चन है कि इंस्टेड ऑफ माई लिस्ट कैन वी यूज एनी अदर असाइन वेरिएबल. हाँ, आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हो. नाम तो कुछ भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो. दैट इज योर बेबी, वट एवर यू वॉन्ट टू पुट योर नेम, दैट इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम. इज दैट ऑल राइट? लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोगों ने देख लिया क्या होता है. तो ए इन माई लिस्ट अगर रहेगा तो प्रिंट ट्रू करेगा, अगर वो टू इन माई लिस्ट करेंगे तो भी ट्रू करेगा, एंड प्रिंट ए नॉट इन माई लिस्ट अगर हम लोग करेंगे तो फॉल्स करेगा. नाउ इसी के साथ साथ एक और ऑपरेटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर. अभिषेक हर्ष, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सेवन? व्हाट इज सेवन? वो सेवन वाले, हेलो. हेलो. हाँ, वो सेवन वाले जब ऑपरेटर रन किए ना, ए नॉट इन माय लिस्ट, उसका रिजल्ट कहाँ शो किया? अरे भाई विश्वास कर लो यार, मान लो, दिखाया तो है, सब तो दिखा रहे हैं तुमको. क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सेवेंथ वाला मतलब वो जो आप एग्जांपल लिए थे उसमें, वो जो आप तभी विंडो खोले हुए थे ना उसमें बोल रहे, जो सेवन ए नॉट इन माय लिस्ट उसका रिजल्ट पूछ रहा था कि फॉल्स आएगा ना. मैंने बताया ना आपको, मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने उसको शो भी किया है. इट इज ट्रू, मैंने उसको चेंज नहीं किया है. इट इज ट्रू हियर. ए नॉट इन माय लिस्ट जब हम लोग करेंगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. इज दिस क्लियर? यस यस. थोड़ा सा ध्यान से सुनो. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर आइडेंटिटी ऑपरेटर. तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में इज होता है और इज नॉट होता है. तो इज जो होता है वो इवैल्यूएट हो जाएगा ट्रू जब वो चीज सेम होगी. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू वन अगर हमने सेट किया तो यहाँ पर क्या होता है, वन अपने आप में एक इंटीजर ऑब्जेक्ट होता है और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो उस एड्रेस की हो जाती है. तो दोनों का जो आईडी रहता है वो सेम रहता है. तो इसलिए इफ यू रीड द डिस्क्रिप्शन हियर, इफ यू रीड द डिस्क्रिप्शन इज ऑपरेटर इज तो इवैल्यूएट टू ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स अदरवाइज. का मतलब क्या हो गया, लेट मी ओपन द पेज लोकेशन एंड शो यू. तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे बड़ा करते हैं. ठीक है, तो मेरा जो वैल्यू है दिस इज वन. अब इसके अंदर वन लिख देते हैं, वन और उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं. ठीक है, तो वन यहाँ पर आया. तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जब हम लोग किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो उसके पहले वो चीज मेमोरी में इनिशियलाइज होती है. तो जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर ए इक्वल्स टू टू करता हूँ तो ये यहाँ पे जब एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे इसको पहले वैल्यू असाइन, पहले वैल्यू क्रिएट होती है फिर उसको वेरिएबल को असाइन होती है. तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है और ये वेरिएबल तो सिर्फ एक कंटेनर है. तो जस्ट लाइक कि पानी होता है ना, तो पानी को आप किसी भी कंटेनर में डाल सकते हो. सिमिलरली नॉट ऑन द सेम लाइन बट ऑन अ डिफरेंट लाइन अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कोडिंग में कैसे होता है. क्योंकि कोडिंग हाउ इट वर्क्स इज वेरी सिंपल. कोडिंग में एक इनिशियलाइज होता है वेरिएबल हमारा वन. नाउ अगर मैं इस वेरिएबल को, यानी कि जो ए वेरिएबल है और जो बी वेरिएबल, इसको ए इक्वल्स टू वन करता हूँ तो ये जो वेरिएबल रहेगा ना यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करेगा. और अगर मैं यहाँ पे एक बी वेरिएबल बनाता हूँ, जो बी वेरिएबल रहेगा अलग रहे जो हमारा बी कलर देखते हैं, बी हमारा जो बी रहेगा, इफ यू टॉक अबाउट बी देन इन दिस बी लाइन आ जा. तो ये जब हम लोग इक्वल्स टू बी करते हैं, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू वन करते हैं, तो ये इस तरह से कुछ एक यहाँ पर असाइनमेंट क्रिएट होता है. तो मेमोरी में ए और बी जो दोनों हैं यहाँ पे,
ये दोनों एक ही एसेंशियली एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो अगर दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा कि उनका जो एड्रेस रहेगा वो सेम रहेगा. तो ए इज बी यहाँ पर इवैलिड हो जाएगा ट्रू. क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों सेम है. इट इज जस्ट लाइक सिंपल थिंग ना, सिंपल इंग्लिश है कि ए इज बी, क्या ए बी है? तो बोले हाँ ए बी है, ए है. कैसे है? और अगर हम लोग ये चेक करना चाहेंगे कि ए इज नॉट बी तो फॉल्स आएगा यहाँ पे. क्यों फॉल्स आएगा? बिकॉज ए तो बी है. जस्ट सिंपल. कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना? किसी को सब समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट क्लियर, इफ इट इज नॉट क्लियर यू प्लीज राइट नॉट क्लियर. ओके क्लियर है? किसी को नहीं हो तो मुझे बता देना. तो एक और तरीका होता है मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज को वैलिडेट करने का. वैलिडेट करने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा कि हम उसका आईडी चेक करते हैं, इसका एड्रेस चेक, इसका एड्रेस चेक करते हैं. उसका एड्रेस अगर हम लोगों को चेक करना है तो हाउ वुड इट लुक लाइक, लेट मी शो यू. उस वो कुछ इस तरह दिखेगा कि अगर मुझे उसका एड्रेस चेक करना है ए इक्वल टू बी इक्वल टू, तो मैं एक एक होता है आईडी करके, तो ए का एड्रेस हम लोग चेक करेंगे आईडी ऑफ ए. तो ये आईडी जो फंक्शन होता है आपको उसका एड्रेस या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन दे देता है. तो फॉर नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि आइडेंटिफिकेशन है, बट चलो ए आइडेंटिफिकेशन लिख देते हैं, ए आईडी एंड बी का आईडी. और हम लोग बी का आईडी इधर स्टोर कर देते हैं और प्रिंट. हम लोग ए का आईडी और बी का आईडी दोनों प्रिंट कर देते हैं. तो कुछ इस प्रकार से हमारा आउटपुट दिखेगा. देखो तो हम लोगों ने a इक्वल टू बी इक्वल टू वन टू किया. a इक्वल टू बी इक्वल टू टू जब हम लोग कर रहे हैं तो a और b दोनों दो वेरिएबल जो वो सेम ही वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया. तो इन दोनों का जो आइडेंटिफिकेशन रहेगा वो दोनों का देखिए, क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है? इज द सेम? कैन एनीबडी प्लीज टेल मी इफ इट इज सेम और इट इज नॉट सेम? Can you please reply on this chat? Is it same or is it not same? Okay. So, जब हम लोग ये प्रिंट करते हैं तो वैल्यू भी सेम आएगी. क्यों सेम आ रही है? बिकॉज दोनों सेम ही वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो जो इज ऑपरेटर है सबको समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी ऑपरेटर, एंड दोनों की वैल्यू सेम रहेगी अगर आप इस तरह से इनिशियलाइज करते हो. तो ये कहाँ यूज आता है? लेट मी शो यू इन सम टाइम. तो हम लोग पाइथन वेरिएबल्स के साथ अभी जब काम कर रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या क्या होता है. तो हमने देखा कि स्ट्रिंग, इंट और फ्लोट के मेजरली तीन डेटा टाइप्स होते हैं जो हम लोग ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं तो भी रेडी टू यूज होते हैं. This is called as basic data types. और इसका अगर आपको टाइप चेक करना है तो यू कैन यूज दिस टाइप फंक्शन. टाइप फंक्शन अगर आप यूज करेंगे तो आपको इसका टाइप मिल जाएगा. लेट अस स्टार्ट वर्किंग विद स्ट्रिंग्स नाउ. तो स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग्स की बात करें तो स्ट्रिंग अगर हम लोग टू एज अ स्ट्रिंग लेकर आते हैं, स्ट्रिंग की वेरिएबल के अंदर टू स्टोर करते हैं और नंबर इक्वल्स टू थ्री स्टोर करते हैं, है ना? तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर मैं प्रिंट करूंगा स्ट्रिंग इनटू नंबर तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? अगर मैं प्रिंट स्ट्रिंग इनटू नंबर करता हूं जबकि हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है वो स्ट्रिंग टू है और नंबर इक्वल टू थ्री है, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? तो कार्तिक इज सेइंग एरर, तुषार इज सेइंग टू टू टू, सत्या इज सेइंग एरर. तो I want everybody's answer. There are only three people those who have replied. Tushar, Karthik and Satya. Baki sabka kya hai? Abhishek Harsh is saying error. What about others? Vishwajit. Rohit. Vishwajit, I want your answer.
what should be the answer here? So he's saying 2. So if I do this, the answer will come 2, 2 and 2. I'm sorry, this is by default, the PowerPoint has capital T. Otherwise, it will be 2 to 2. So, जो हमारे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर रहते हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर अलग तरीके से बिहेव करते हैं. सो इफ आई ट्राई टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग प्लस नंबर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इफ आई ट्राई टू ऐड स्ट्रिंग प्लस नंबर, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए? कैन समबडी प्लीज टेल मी, शुड इट बी एरर और शुड इट बी 2 एंड देन उसके बाद में 3? तुषार इज सेइंग 2, 3. व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, सबका आंसर है 2, 3. सो लेट अस हैव अ लुक की इसका आंसर क्या आएगा. अगर मैं स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करूंगा तो ये हमें डेफिनेटली एक एरर देगा. क्यों एरर देगा? तो सर यू हैव रेज्ड अ हैंड, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर कंसर्न, यू कैन राइट इट. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमने अभी स्ट्रिंग और नंबर को कंकैटिनेट किया, इसलिए यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा. अगर दोनों सेम टाइप के होते तो कंकैटिनेट हो जाते. हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस एरर? तो अगर हमको रिजॉल्व करना है एरर को, तो हम लोग उसको टाइपकास्ट करेंगे. तो टाइपकास्ट करने के लिए str इज द फंक्शन दैट वी विल कन्वर्ट एनीथिंग टू स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग प्लस नंबर अगर हमको कंकैटिनेट करना है तो दैट विल गिव अस द करेक्ट आंसर 2, 3. नाउ ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, देयर आर डिफरेंट ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, सो लेट अस ट्राई टू हैव अ लुक एट इट. तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल, तो ए इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड. तो अगर मैं प्रिंट करूंगा ए की 0th लोकेशन को और मैं प्रिंट करूंगा ए की 1st लोकेशन को, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, पाइथन में हमेशा सब कुछ 0 से स्टार्ट होता है व्हेन इट कम्स टू इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग के केस में अगर हम लोग ए ऑफ 0 प्रिंट करेंगे, जीरो ऑफ ए प्रिंट करेंगे तो एच आना चाहिए और 1 ऑफ ए प्रिंट करेंगे तो ई आना चाहिए. सो लेट अस ट्राई टू लुक एट इट, क्या आएगा आंसर इसका? हेलो वर्ल्ड यहां पर आया है एंड देन एच एंड देन ई. दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक. सो दिस इज द सिंपल, वेरी वेरी सिंपल थिंग, इसमें कुछ नया नहीं है. नाउ देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई फाउंड इन पाइथन, इज समथिंग कॉल्ड एज स्लाइसिंग. सो स्लाइस वैल्यू, जो अगर मैं ए को, अगर मैं इसको, तो लेट मी शो यू समथिंग अबाउट दिस. हमने पहले भी डिस्कस किया है. सो इट्स हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज स्टार्ट, दिस इज एंड एंड दिस इज स्टेप. तो जब भी हम लोग स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं ऑलवेज. स्लाइसिंग के अंदर हमेशा 3 पार्ट्स होंगे. क्या होगा? फर्स्ट होगा स्टार्ट, सेकेंड होगा एंड एंड थर्ड होगा स्टेप. स्टेप वैल्यू इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल. आपको हमेशा डालना कंपल्सरी नहीं है इसके अंदर, बट यस इट इज गुड इफ यू गिव इट, अगर आपको पहले से पता है तो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्राई टू गिव स्टार्ट एज 0 एंड एज लेट अस से इसकी लेंथ कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 5, 12. तो अगर मुझे 12 चाहिए तो मुझे यहाँ पे 12 नहीं देना होगा, मुझे यहाँ पर देना होगा 11, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 1 पीछे हो जाता है. एंड अगर मैं स्टेप की बात करूं तो स्टेप मुझे अभी 1 देना है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आएगा. इफ यू सी दिस, हेलो वर्ल्ड आया, स्टार्ट 0 एंड इज 1, स्टेप इज 1 एंड स्लाइस की वैल्यू हेलो वर्ल्ड. तो क्या होता है, जो स्टेप होता है हमारा, ये हमेशा जो एंड होता है हमेशा जो वैल्यू होती है, दिस विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड. तो अगर आपको सारा के सारा उसके अंदर करना है इंक्लूड, यू हैव टू गिव 12, तो दिस विल नॉट रन इनटू एरर. बट अगर आप 13 दोगे तो दैट विल बी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. नाउ कंप्लीट थिंग वी हैव, दैट इज
एंड इज 12 तो उसने लास्ट वाले को एक्सक्लूड किया है. That is one. Now if I, what if I, so Abhishek, I have a question for you. Abhishek, अगर मैं यहाँ पे step को 2 कर देता हूँ, step को 2 करने से यहाँ पे हमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? Abhishek, are you there? So, did you hear my question? So, मैं कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में हमारा स्लाइस जो मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस सिचुएशन में हमारा जो स्टेप का वैल्यू रहेगा वो कितना रहे? स्टेप का वैल्यू अगर 2 है, हमारा आउटपुट क्या रहेगा? स्लाइस के अंदर क्या आएगा वैल्यू? Y1. So let me show you first. एक बार देखते हैं फिर इसको हम लोग step को 3 करेंगे. If you see this, इसने first H को लिया, then 1 को छोड़ा, then L लिया, then L को छोड़ा, then O लिया, then comma को इसने छोड़ा, then space आया, then W को छोड़ा, then O आया, then R को छोड़ा, then L आया. So this is how it came out to be. यहाँ पे हर एक को एक 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 you know एक लेटर को छोड़ छोड़ के, this is why it is called as step. So now if I change step to 3, तो first letter store होगा, then बीच के दो छोड़ेगा, then फिर letter आएगा, फिर दो को छोड़ेगा. This is how it would look like. Step 3 है, so H, then L and then R. So this is how step and slicing work. So there is also something called as negative indexing. So अगर मुझे पीछे से शुरू करना है, मुझे पीछे से शुरू करना है, for example मुझे 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 D से start करना है और मुझे रिवर्स में प्रिंट करना है, तो मुझे अगर D से स्टार्ट करना है, ये जीरो है, बट यहाँ पर जब हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो जीरो इंक्लूड नहीं करते, हम लोग माइनस वन देते हैं वहां पर. तो अगर हम माइनस वन देते हैं तो माइनस वन विल सिलेक्ट D. तो इसी तरह से 2, 3, 4 एंड 5. तो अगर मैं स्टार्ट को माइनस वन देता हूँ और एंड को माइनस फाइव देता हूँ और सेट को रखता हूँ 1, तो हमारा स्लाइस की जो वैल्यू रहेगी वो दैट विल बी इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ वर्ल्ड. ऐसा कैसे हो गया? तो स्टेप को माइनस वन देना पड़ेगा या स्टेप को हम लोग हटा देते हैं अभी के लिए. अभी के लिए हम लोग स्टेप को हटा देते हैं. जब हम लोग रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे तो रिमूव दे. तो ऐसा कैसे हो गया? लेट अस थिंक अबाउट इट. लेट अस गो टू द, सो इफ आई ट्राई टू डू दिस, ओके, तो हम लोग माइनस फाइव से माइनस टू जाएंगे. आई एम सॉरी, तो स्टार्ट और एंड यहाँ पे रिवर्स रहेंगे, माइनस फाइव और माइनस वन. दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक, हेलो वर्ल्ड, एंड दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक. सो इट विल नॉट बी इन अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ द स्ट्रिंग, बट इन द वे कि हम लोग पीछे से काउंट कर रहे हैं. तो माइनस फाइव से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और माइनस वन तक जा रहे हैं. तो एंड अनदर थिंग इज, इफ यू वांट यू कैन स्टोर, यू कैन, इफ यू वांट यू कैन पॉसिबली डू दिस वन थिंग, आप माइनस वन भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड. तो माइनस, इफ आई गिव दिस, चलो ठीक है, एक और चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी फैसिनेटिंग टू ऑल ऑफ यू. अभी मैं सब कुछ खाली कर देता हूँ, कुछ भी नहीं रखा यहाँ पे. नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई लीव एवरीथिंग लाइक दिस? तो ऑटोमेटिकली ये एरर नहीं देगा, ये सारी की सारी वैल्यू स्टोर कर देगा. नाउ इफ आई हैव टू चेंज दिस, तो ये जो लास्ट ऑप्शन जो है इसमें मैं डायरेक्टली वैल्यू भी फिक्स कर सकता हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे माइनस वन देता हूं तो इट विल गिव मी रिवर्स ऑर्डर. तो इसने स्टार्ट एंड से लेना शुरू किया, इसने पूरे के पूरे जो सीक्वेंस है उसको रिवर्स कर दिया. तो हाउ डिड इट हैपन? तो उसने स्टेप को माइनस वन से शुरू, मतलब पीछे से शुरू किया और माइनस वन आते गया और इस तरह से उसको रिवर्स किया. एंड दिस अनदर वे कैन ऑल्सो बी डन एज डॉट रिवर्स फंक्शन यूज करके हम लोग भी कर सकते हैं. तो
where is it useful? Is it use, it's generally useful when you try to reverse values, when you try to slice values, when you try to do things like slicing. It's very very useful. ये बहुत useful रहता है. मैं आपको इसके application बताऊंगा. Now another thing is, if you want, you can print the length of your object. It will always be available. So print length of it. So length will be 12. This is how. And another good thing about this is, ये इसको आप कैसे use कर सकते हो. So for example, print, मुझे जैसे कि a को slice करना है. So मेरा start value मुझे 3 तक लेना है. और अगर मैं यहाँ पे इसको भी खाली छोड़ना चाहूँ, for example, so this will also be allowed. आपने so you see this, अगर आप इसमें से किसी एक को भी खाली रखते हो alternate में भी, that is also allowed and it will be truly doing everything. So 3 से start किया उसने 0, 1, 2 and 3. So L से start किया और उसके बाद किया print. Then another thing is, 3 के बाद में जब हम लोग देखते हैं, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पर length of a डाल देता हूँ, तो क्या essentially मैं pass कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे number आएगा ना 12, so you can pass it like this also, कि पूरे length of that variable हम उसको use करेंगे और आखिरी तक देखकर you see this output will be 12. Now another way, if you want, you can give a set here also, that is also allowed. So you can see this, कि सारे के सारे combination यहाँ पे work करते हैं. तो ये हमारा इसको कहते हैं हम लोग स्लाइसिंग, और लेंथ भी हम लोगों ने यूज कर लिया. सो देयर इज स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, दैट आल्सो काउंटेड. यस, एक स्ट्रिंग के अंदर दोनों कोट्स के बीच में जो कुछ भी है सब कुछ काउंट होता है. सो लेट मी शो दिस टू यू. अगर मैं हेलो वर्ल्ड के आगे पीछे स्पेस देता हूँ, देयर इज अ स्पेस बिटवीन यू नो बिफोर एंड आफ्टर हेलो वर्ल्ड, और मैं प्रिंट इसका लेंथ को प्रिंट करता हूँ, तो इसका अगर मैं लेंथ प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, इसका लेंथ अभी 12 नहीं आएगा, इसका लेंथ अभी 14 आएगा. नाउ अगर हमें ये चीज को इग्नोर करना है कि आगे और पीछे से नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में हो तो चलेगा लेकिन आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो हम लोग डॉट स्ट्रिप यूज कर सकते हैं. सो प्रिंट ए डॉट स्ट्रिप, जब मैं ये प्रिंट करता हूं और मैं इससे पहले प्रिंट ए को मैं प्रिंट कर देता हूं, तो यू सी यू विल बी एबल टू सी कि मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस आ रहा है खाली, और स्ट्रिप किया तो ये चेंज हो गया. यू सी दिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस. तो स्ट्रिप फंक्शन आगे पीछे की स्पेस को हटा देता है. एंड इफ यू सी, अगर मैं इसका लेंथ प्रिंट करना चाहूँ, लेंथ ऑफ ए, वो तो ऊपर ऑलरेडी प्रिंट हो ही रहा है, तो मैं लेंथ ऑफ प्रिंट लेंथ ऑफ ए डॉट स्ट्रिप प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पर 12 आएगा. दिस इज हाउ इट वर्क इन पाइथन. फिर हम लोग ए डॉट लोअर, अभी अगर मुझे इस कोड को, अगर मुझे जो हमारा ए है इसको अपर केस में नहीं चाहिए, मुझे इसका सब कुछ लोअर केस में चाहिए, तो मैं ए डॉट लोअर यूज कर सकता हूँ. इट विल इन दिस वे, इट विल बी ए डॉट लोअर, तो सारा के सारा जो कैपिटल वैल्यूज रहेगा वो यहाँ पे, यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो गया है, लोअर हो गया है. एंड अगर मैं चाहूँ तो दोनों को, दो फंक्शंस को एक के बाद में एक भी ट्राई कर सकते हैं. लेट अस ट्राई इफ इट वर्क्स और नॉट. आई थिंक इट शुड वर्क, इस प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आगे पीछे के स्पेस भी हट गए हैं. ए डॉट स्ट्रिप डॉट लोअर, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो डिफरेंट फंक्शन. नाउ हेलो ए डॉट अपर, अगर अपर करेंगे तो सारा के सारा अपर हो जाएगा. मैं अपर किया, यूपीटी आर ए टू डी अपर, हेलो वर्ल्ड सब कुछ अपर में हो गया. एंड अनदर थिंग इज, यू कैन रिप्लेस वैल्यूज, को एच और जे से रिप तो है कि हेलो की जगह जेलो हो जाएगा. तो ए डॉट रिप्लेस अच्छा है, तो ए डॉट रिप्लेस कर सकते हैं. रिप्लेस, तो क्या रिप्लेस करना है और किसको, किससे रिप्लेस करना है. तो एच यहाँ पर हमारा एच आएगा, तो हम जे से रिप्लेस करेंगे, तो ये वैल्यू जेलो वर्ल्ड हो जाएगा. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज, क्या ये वैल्यू अगर मैं अभी रिप्लेस करने के बाद ए प्रिंट करूंगा तो हेलो वर्ल्ड आएगा कि जेलो वर्ल्ड आएगा. लेट अस ट्राई टू थिंक एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट. तो अगर मैं पहले इसको रिप्लेस कर देता हूँ तो बाद में इसको फिर से प्रिंट करता हूँ, इट विल रिमेन द सेम. क्यों? क्योंकि
जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है वो अपने आप में चेंज नहीं कर सकते आप, यू विल हैव टू रिप्लेस इट विद सम अदर थिंग. तो आप उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसके अंदर कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते. इफ यू ट्राई टू फाइंड दिस, लेट अस ट्राई टू फाइंड द आईडी ऑफ दिस प्रिंट आईडी ऑफ ए, और फिर हम लोग प्रिंट आईडी ऑफ प्रिंट आईडी ऑफ दिस फंक्शन जो हमने रिप्लेस किया ना, इसको हम लोग ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए. तो जेलो वर्ल्ड आ गया, इसका आईडी कुछ और आया, इसका आईडी कुछ और आया, इसी देयर इज अ डिफरेंस 808 और 0808. तो यहां तक तो सब कुछ सेम है, 8080 यहां पर है और यहां पे 9808 है. दिस इज हाउ इट वर्क्स इन पाइथन. तो यू कैन सी कि जो वैल्यू है जो रिटर्न करता है ये अपने आप में दूसरा ऑब्जेक्ट होता है. दिस इज व्हाट दिस ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग. तो अगर आप देखें कि आप इसके अंदर और ऑब्जेक्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ए डॉट अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर इसको लेट अस से कि मुझे जैसे कि इसके अंदर काफी सारे स्ट्रिंग है राइट, यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है. तो मुझे जहां जहां पर स्पेस है वहां वहां पे चीजों को सेपरेट करना है, आई वांट टू सेपरेट थिंग्स. तो उसके लिए हम लोग स्प्लिट यूज, स्प्लिट ऑपरेशन यूज करते हैं, स्प्लिट स्प्लिट फंक्शन को यूज कर सकते हैं. एंड दिस स्प्लिट फंक्शन विल रिटर्न अस अ लिस्ट. यू कैन सी कि पहला जहां पर स्ट्रिंग था वहां पर उसने हमको खाली दिया, देन हेलो, देन यहाँ पर एक स्पेस था इसलिए उसने वर्ल्ड को अलग कर दिया और लास्ट में अलग किया. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन पाइथन. एंड इफ आई वांट टू नॉट, अभी जैसे मैंने स्पेस हटा दिया यहाँ पे, तो यू कैन सी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे ये चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू ही रहेंगे. नाउ इफ आई वांट टू चेंज एंड मुझे इसको कॉमा के ऊपर सेपरेट करना है, इफ आई वांट टू सेपरेट इट ओवर कॉमा, नॉट ऑन द स्पेस, आप वो भी दे सकते हो, दैट इज टोटली ओके. यू सी कि आपका जो आउटपुट रहेगा तो ये हेलो अलग हो गया एंड वर्ल्ड अलग हो गया, एंड दिस विल रिटर्न अ स्ट्रिंग टू अस. दिस इज हाउ स्प्लिट वर्क्स. एंड इन फंक्शन जो हमने चेक किया था, तो अगर मेरे पास लेट अस से मेरा जो टेक्स्ट है कुछ इस प्रकार है, ये हमारा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग इक्वल टू दिस एंड इसका एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. एंड मुझे चेक करना है कि क्या ए आई एन स्ट्रिंग के अंदर है, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रिंट ए आई एन इज इन स्ट्रिंग, दैट विल बी आंसर विल बी ट्रू बिकॉज रेन रेन है, आंसर इज ट्रू. दिस इज हाउ इट वुड वर्क एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. एंड वो नॉट वाला जो होगा वो अपोजिट रहेगा, तो उसका वैल्यू फॉल्स आ जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग. और इसी के साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा लिस्ट को भी देख लिया कि लिस्ट भी कैसे दिखती है, हाउ यू नो कहाँ कहाँ पर हमें लिस्ट रिटर्न हो जाता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स लाइक इन पाइथन. सो इफ देर आर एनी क्वेश्चन वी कैन ओपन द पैनल फॉर क्वेश्चन, इफ देर आर नो क्वेश्चन वी आर डन फॉर द डे.